कुंडला जिला से मीडिया के आए हुए हमारे साथी गण, विषय को लेकर के रोशन जी ने आप सबों को बताया, ये पहली घटना नहीं है कि केंद्र की सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैया झारखंड राज्य को झेलना पड़ रहा है। जब से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का गठन इस राज्य में हुआ है, तब से लगातार केंद्र की सरकार उन तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए लगातार कदम उठाती रही है। हम सब जानते हैं कि झारखंड राज्य एक वेलफेयर स्टेट है, जहां आय के संसाधन, रेवेन्यू कलेक्शन के सोर्सेस काफी सीमित है। ऐसे में केंद्र की सरकार विश्व व्यापी महामारी कोविड-19 के कार्यकाल में भी कोई विशेष सहयोग केंद्र की सरकार से झारखंड राज्य को नहीं मिला, अपितु केंद्र से 10 सदस्यीय टीम भी आई थी कि कोरोना काल में झारखंड राज्य कैसा काम कर रहा है। जो टीम आई उसने रिपोर्ट भी काफी सकारात्मक दिया कि इस राज्य की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बहुत सार्थक कदम उठाए। जहां एक जगह टेस्टिंग नहीं होता था, कहीं व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां आज हर प्रत्येक जिले में इसका उपचार हो रहा है और राज्य की सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई। इसी दौरान देखने को यह मिला कि केंद्र की सरकार ने झारखंड राज्य के हिस्से में से जो झारखंड का हिस्सा था रेवेन्यू का, जीएसटी का पैसा, उसमें से 1417 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने काट लिया। ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों पर एक करारा हमला किया है केंद्र की सरकार ने, क्योंकि हम खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आप सभी पत्रकार साथी यहां मौजूद हैं, आप सबको मालूम है कि जब यहां से रघुवर दास की सरकार गई, तब से लेकर पूरा खजाना यहां का लूट करके रघुवर दास की सरकार गई और हमें खाली खजाना मिला। अब हम अपने पैरों पे खड़ा होने हो ही रहे थे कि एक बार फिर से केंद्र की सरकार ने हम पर हमला किया और हमारे हिस्से के 1417 करोड़ रुपया काट लिया गया बिना हमारी अनुमति के। हवाला ये दिया गया कि रघुवर दास की सरकार ने त्रिपक्षीय समझौता 2017 में किया था, उसमें यह कहा गया था कि आप हमारे हिस्से के पैसे काट सकते हैं। 2014 में जब रघुवर दास की सरकार आई, उससे पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 14 महीने की सरकार चली थी। उस समय हेमंत सोरेन जी ने डीबीसी का बकाया का पूरा भुगतान कर दिया था, एक भी पैसा डीबीसी का बाकी नहीं था। लेकिन रघुवर दास जब से शासन में आए, तब से लेकर के 2019 तक जब वो सत्ता से बाहर गए, एक रुपया का भी भुगतान उन्होंने नहीं किया डीबीसी को, एक रुपया नहीं। उस समय केंद्र की सरकार कहां थी? क्यों नहीं अपना बकाया पैसा की मांग किया केंद्र की सरकार ने? तो ये डबल इंजन की सरकार की यही खासियत रही कि झारखंड जैसे राज्य में 5500 करोड़ रुपया का बोझ डाल दिया गया, जो रघुवर दास के शासनकाल में बकाया था उसका, और जबरन हमसे पैसा वसूला जा रहा है। जबकि दूसरे कई ऐसे प्रदेश हैं देश के अंदर में, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों में डीवीसी का 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, लेकिन केंद्र की सरकार ने उन पर
कोई दबाव नहीं दिया, उनके वसूली पर कोई नहीं किया गया, जबकि कोरोना काल में भी एक किस्त हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के सौजन्य से ये हम लोगों ने भुगतान किया था, फिर भी इस तरह की बात आई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि यहाँ के आदिवासियों पर, यहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए, यहाँ के स्थानीय मूलवासियों के विकास के लिए, यहाँ के गरीब तबके के विकास के लिए जो हमारा प्रयास है उस पर हमला किया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में हम इसके विरुद्ध सशक्त आवाज उठाने के लिए आज आपके बीच उपस्थित